नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके। चलते हैं आज आपकी क्लास पे। आइए बच्चों, आगे का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो वहाँ पे एक जैसे फॉर्मूले पे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। अब जैसे आज के फॉर्मूले क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले आपके साथ हैं, ये सारे एक जैसे हैं। ठीक, क्या था पिछला फॉर्मूला, क्या था, 2 पे था, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर था। यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक, एक बढ़ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूज पड़ता है, इसे ध्यान से देखिएगा इसको क्या है। ठीक, कैसे तरीका मैंने क्या बताया था इसमें, पहले जो भी है इस पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर ध्यान समझिए कैसे बन रहा फॉर्मूला ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ ध्यान, यहाँ कभी सिंबल नहीं चेंज होता, ये स्क्वायर वैसे आप लगा दें कभी सिंबल चेंज नहीं होगा ये। ठीक, इसमें भी वही सारे में, ये चारों एक जैसे हैं, सारे में वही रहेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये चारों क्या है, सेम है। यहाँ देखिए, जबकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सिंबल चेंज है, ये सारा प्लस है, यहाँ सारा माइनस है, यहाँ पहला प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये चार फॉर्मूले इसके होते हैं। ठीक, बनता एक ही सही है, चार है नहीं, इसी से सारे हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देखिए कैसे बनाया जा रहा है। बनाना एक जान जाएंगे सारा आ जाएगा इसको याद, वरना अभी ये पूरा यहाँ से जाएगा फॉर्मूला, लंबा लंबा फॉर्मूला होता है, इसमें याद नहीं रख सकते इसको, ये गलती हो जाती है। ध्यान समझिए बन कैसे रहेंगे, क्या करते हैं, अगर 2 है 2 पे स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे a प्लस बी था तो क्या किया था आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर d भी मान लिया जाए, इन फ्यूचर आपको आगे d तक पॉसिबिलिटी, फॉर्मूला कितना लॉन्ग जाएगा, d तक होता फॉर्मूला। ठीक, e भी आप f g h जितना चाहे बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यूज आपको d तक बनेगा। ठीक, मैं c तक बना के दिखाऊंगा, आप इसके बाद इनफाइनाइट बना सकते हैं। ठीक, सी कैसे हो रहा है ध्यान रखिए, तो जितना रहेगा ब्रैकेट के अंदर जितना रहेगा सारे पे स्क्वायर लाएंगे अलग अलग, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर d रहता है तो प्लस डी स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, आगे देखते हैं। तो ये सेम रहेगा हमेशा, अगर होल पे स्क्वायर है तो ये हमेशा सेम रहेगा। आगे क्या करते हैं वो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से समझिएगा इसमें। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का एक बार, इन दोनों का ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार बी सी और एक बार सी ए। एक बार ए बी, एक बार बी सी, इसे कहते हैं नंबर साइकिल। आप जब फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे 11-12 में, इसको कहते हैं नंबर साइकिल। नंबर साइकिल क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। जैसे ए बी और सी, तो ए के बाद बी का मल्टीप्लाई, बी के बाद सी एंड सी के बाद फिर ए, याद रखिए फॉर्मूले बनाने में यूज पड़ता है आपको नंबर साइकिल का। ठीक, नॉट नंबर साइकिल, अल्फाबेट साइकिल इसको कहते हैं। ए के बाद बी, तो ए बी बी सी और सी ए, यही मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऐसे हम इसको। ठीक, और क्या, प्लस 2 के साथ में क्या करेंगे इसमें आप, ये क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, ये ए बी होगा और 2 लगा देंगे सिंबल के साथ होगा। ठीक, कितना आएगा ये, प्लस 2 ए बी। ठीक, कैसे, ए और बी, ए बी 2 लगाना है साथ में, तो 2 ए बी और सिंबल क्या है, इसका भी प्लस है तो इसका भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2 ए बी। फिर इसी के साथ देखो, यहाँ सारा सिंबल तो प्लस है इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल दिक्कत यहाँ से आने शुरू होगी क्योंकि यहाँ सिंबल चेंज है, यहाँ सारा प्लस है इसलिए प्लस, जहाँ सारा प्लस वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सारा प्लस आ जाएगा, प्लस 2 ए बी, फिर क्या आएगा, प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखिए, यहां से सिंबल्स चेंज होंगे, यहां तो आसान था इसमें, नेक्स्ट देखिए अब यहां से। ठीक, ए बी बी सी सी ए, ये हमेशा लगाना है तरीके से मल्टीप्लाई करके, 2 लगा के करना है और सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे कि ध्यान से समझिए, यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हुआ, ए बी हो गया, 2 ए बी हो गया, 2 लगा के सिंबल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्लस है सिंबल, इसका सिंबल क्या है, माइनस, यहाँ जब सिंबल कोई नहीं लिखा रहता है तो वो प्लस होता है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 2 ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 ए बी। ठीक, बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंबल के साथ, 2 लगा के, 2 हमेशा लगा के मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 ए बी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बी सी माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी सिंबल की, इसमें सिंबल की दिक्कत आएगी, ध्यान समझिए।
ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस टू बी सी, ठीक। बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और टू लगा देंगे। फिर ध्यान दीजिए, अब इसका सी से अब इसका करेंगे तो ए बी बी सी, फिर सी ए सी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इसका माइनस है सिंबल, इसका सिंबल प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस टू सी ए। कई बच्चे इसको ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी ए लिखे जाए, इसी लिखे दोनों बातें की है। नेक्स्ट देखिए इसकी बात करते हैं, फिर वही ए बी पहले, फिर बी सी एंड फिर सी ए, ए बी बी सी सी ए। अब इसी के से आप यहाँ पे आपका कुछ भी होता है, देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला में सारा ए बी सी बता रहा हूँ, फॉर्मूला एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी आप लिखिए याद, लेकिन एक रखिएगा ए बी सी से याद रखिएगा, जब उसको अप्लाई करिएगा तो यहाँ कुछ भी चाहे एक्स वाई जेड हो, चाहे पी क्यू आर हो, चाहे चाहे पी क्यू आर हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, चाहे ए बी सी डी हो, कोई भी लेटर है, कोई नंबर हो, तब भी काम करेगा फॉर्मूला, इसलिए आप ये क्या रखिएगा अप्लाई सारे होता रहे हो। नेक्स्ट देखिए बात ध्यान से, प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये तुम्हारा प्लस टू ए बी, प्लस 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 टू ए बी, ठीक। सिंबल ध्यान रखिए, सिंबल में गड़बड़ी ना हो यहाँ पे, ठीक। बी सी यहाँ क्या है, इसमें प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस टू बी सी, फिर क्या है इसमें माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस टू सी ए, ठीक। आगे फिर ध्यान दीजिए, इसमें लास्ट ये ए बी बी सी और सी ए सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक। मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे कितना हो जाएगा ये टू ए बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, ये क्या है प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस टू बी सी, लास्ट सी और ए, ये इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस टू सी ए। अब देखो बच्चों कुछ इसमें बातें और मैं बता दे रहा हूँ चीजें, ध्यान से देखिएगा चीजें, जैसे ध्यान दीजिए कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज, छोटी बहुत कई लोग गलती करते हैं, देखो बेसिक लोग छिपाते हैं, बच्चा डरता है बताने से कि हमको बेसिक्स नहीं आती है, ठीक। इसलिए क्या दिक्कत होती है छोटे से छोटे बच्चे को भी, जो दिक्कत है वो ध्यान से समझिए क्या, जैसे सिंबल कौन सा लेंगे तो हमेशा लेटर के आगे जो सिंबल होता है वो उसका होता है, जैसे ये सी है तो सी का सिंबल ये है, ठीक। यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा है तो वो प्लस है, यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा तो आगे क्या होता है वो प्लस होता है, अंडरस्टूड होता है वो, ठीक। और इसमें ध्यान रखिए क्या, जैसे यहाँ पे बात है लेटर से, यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं, ए बी सी के जगह जो है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये भी सब यहाँ पे आ सकते हैं, तो फॉर्मूला कैसे बनाया ये आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा जब अपने आप सी इसको आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा, बस करना क्या है ए बी बी सी सी ए इसको मल्टीप्लाई करना है टू लगा के सिंबल के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई जो है सिंबल के साथ होगा टू लगा के, ठीक। नोट करिए, बच्चों आज के इस फॉर्मूले में जितने भी आपने पढ़े हैं चार फॉर्मूले उसमें कुछ मैंने बात और बीच में बोली है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, जैसे ये नोट में आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा इसको, ठीक। साइन का मल्टीप्लिकेशन, बीच में मैं उसमें बोल रहा था फॉर्मूला बनाते समय कि प्लस का प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको देखते हैं क्या है, ये छोटी सी टॉपिक है, क्लासिक्स में बच्चा पढ़ता है इसको, साइन मीन्स प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई सिंबल का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एंड माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ये पोयम आप बचपन से पढ़ गया है, क्लास सिक्स से पोयम, चार पोयम पढ़े हुए, चार लाइन की पोयम है, ठीक। लेकिन आपको ये पोयम नहीं याद रखनी है, आप अभी तक चार बात याद रखते नहीं तरीके से, इसीलिए बात भूल जाती है कभी कभी, ठीक। इसको कैसे याद रखना ये बात समझिए, यहाँ पे जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक। अब इसका आप नया तरीका, आप जो अभी तक चार चीज याद करके आते थे अब आपको इसको आधा करिए दो, देखिए कैसे, इनको एक साथ याद रखिए, ठीक। और इनको एक साथ क्या बोलना है वो ध्यान से सीखिए, सेम ये सिंबल देखिए सेम है, ठीक। जब सिंबल सेम होगा तो प्लस आता है, ये भी देखिए वही है अप्लाई हो रहा है, पहले आप क्या पढ़ते इसको प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं बोलना है इसको, ठीक। सिंबल प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहां ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ये सिंबल जब सेम रहेगा तो ये प्लस है, सिंबल दोनों सेम था तो प्लस है, सिंबल दोनों डिफरेंट है तो माइनस, ठीक। इसलिए इसको जो है यहां बस याद रखिए क्या सेम, इसको याद रखने तरीका आपको इस तरीके से करना है, सेम साइन है तो क्या आएगा आपका आउटकम प्लस, सेम साइन मींस प्लस, अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा माइनस,
इस तरीके से याद रखिए, पहले चार आप याद रखे थे, इसको आप जो है इस लाइन याद रखिएगा। ये अगर सिंबल आपका सेम रहता है तो प्लस आता है, सिंबल अगर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट आता है। और ध्यान से देखिए इसमें क्या, जैसे और भी इसको अगर आप चाहे याद रखना, क्या सेम सेम से सम वर्ड आ रहा है, सम सम क्या होता है, दिस प्लस, सेम से सम, डिफरेंट से डिफरेंस वर्ड होता है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, घटाना, ठीक, माइनस। सेम मीन्स सम, डिफरेंट मीन्स माइनस, इसलिए मैं इसको भी यहां लिख दे रहा हूं सम प्लस, को हम लोग इसको क्या कहते हैं, सम भी कहते हैं, ठीक। तो ये एक ट्रिक है, इसे देखो जो भी चीजें दिक्कत वाली लगे ऐसे इसको ट्रिक बना के याद रखी जाती है, इसलिए ठीक। सेम है तो सम, डिफरेंट है तो माइनस, ठीक। ये बस मैंने नाम लिख दिया आपको, ऐसे याद नहीं रहना, सेम है तो सम कर देना है, डिफरेंट है तो माइनस कर देना है, प्लस है माइनस, ठीक। नोट कर लीजिए इस टॉपिक को भी, इसके नीचे जो है नोट कर लीजिएगा।